खुद की खोज या कह लीजिए सच की खोज इंसान पर ऐसे धुन सवार कर देती है कि वह उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए या तो वह धर्म का रास्ता अपना लेता है या अनुभव हासिल करने के लिए यात्राओं के जरिए खुद को तलाशने की कोशिश करता है। हालांकि इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब दोनों ही रास्तों का उपयोग किया गया हो। पहले तो गौतम बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़कर सच खोजने के लिए एक भिक्षु की जिंदगी अपनाई। उसके बाद उनको भगवान मानने वाले चीनी यात्री फाहियान ने भी कुछ ऐसा ही किया। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सूर्या सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सूर्या टॉक। दोस्तों, आज हम फाहियान के जिंदगी के सफर के बारे में बात करेंगे और साथ ही उनकी जिंदगी के कई पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फाहियान के बचपन का उनके भविष्य पर गहरा असर पड़ा। फाहियान को खेलने कूदने के उम्र में ही उनके पिता ने उन्हें पूजा पाठ में लगा दिया था। इसकी वजह उनके तीन बड़े भाइयों का बचपन में ही गुजर जाना रहा। इससे डरकर उनके पिता ने फाहियान को बुद्ध समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन ये तो शायद किस्मत की ही एक छोटी सी चाल थी ताकि फाहियान का इंसानी इच्छाओं से मोह भंग करवाया जा सके। आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिससे फाहियान और उनके परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। अपने माता पिता के साथ रहते हुए बचपन में ही फाहियान को एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उनके पिता ने उन्हें मठ भेजने का फैसला लिया। इस फैसले के कारण फाहियान को उनके परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना पड़ा। असल में स्वास्थ्य ठीक होने के बाद भी फाहियान ने वापस लौटने से इनकार कर दिया। फाहियान ने मठ की जिंदगी इस कदर अपना लिया था कि वह हर इंसानी मोह से दूर हो गए थे। यहाँ तक कि जब 10 साल की उम्र में ही फाहियान के पिता की मौत हो गई, उसके बाद उन्हें अपनी अकेली माँ का सहारा बनने के लिए जब वापस बुलाया गया तो उन्होंने वापस आने से इनकार कर दिया। मठ में अपनी धार्मिक शिक्षा पूरी करने के बाद अपने आगे की अनुभवों के लिए फाहियान ने भारत की यात्रा करने का फैसला किया। चीन के चोंगओन से शुरू हुई उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने अपने देश के अलग अलग साम्राज्य के लोगों से मुलाकात की और उनके बारे में जाना। यात्रा की शुरुआत में ही फाहियान और उनके साथियों को गोबी रेगिस्तान की गर्म हवाओं और तपती गर्मी का सामना करना पड़ा। लगभग 17 दिन में 600 मील का रास्ता तय करने के बाद वह रेगिस्तान को पार कर पाए और सेन साम्राज्य पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात कई और बौद्ध भिक्षुओं से हुई। इस साम्राज्य में फाहियान लगभग एक महीने तक रुके और इस दौरान उन्होंने पाया कि किस कदर इस जगह में बौद्ध भिक्षु अपना इंसानी जीवन त्याग चुके हैं और वह बुद्ध की धरती के बारे में जानने में लीन रहते हैं। फाहियान ने अनुभव किया कि वो भिक्षु सभी भारतीय किताबों और भारतीय भाषाओं में रुचि रखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। आज के दौर में चीन और भारत दोनों ही लगभग हर मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। यह मानना थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन फाहियान की रचनाएं साफ तौर पर यह जाहिर करती है कि उस समय चीन और भारत के बीच किस कदर सांस्कृतिक नजदीकियां थी। सेन साम्राज्य के बाद 15 दिन चलने के बाद फाहियान यू पहुंचे। वहां भी उन्हें कई तरह के बौद्ध भिक्षु मिले। उनके नियम दूसरों से काफी कठिन थे, ऊपर से वे अपने नियमों को लेकर काफी दृढ़ थे। खैर, बाकी राज्यों की तरह फाहियान यू में भी अधिक समय तक नहीं रहे। आगे बढ़ते हुए वह वहां से मुश्किल रास्तों से निकलते हुए खूतन पहुंचे। वहाँ उन्होंने यूं तीन साम्राज्य का अनुभव किया जो उन्हें बेहद पसंद आया। अपने किताब में फाहियान यूं तीन साम्राज्य की खूब तारीफ करते हैं। वह बताते हैं कि किस कदर वहाँ के सम्राट ने उनकी हर जरूरत का ध्यान रखा। खूतन से होते हुए फाहियान की यात्रा सुंग पर्वतों पर पहुंची, जहाँ उनकी मुलाकात तार्तर से हुई, जो न केवल बहुत बड़े बुद्ध भक्त थे बल्कि उनकी बताई गई बातों का बखूबी पालन भी करते थे। वहाँ से फाहियान का काफिला आखिरकार उत्तर भारत पहुँचा। भारत की यात्रा के दौरान फाहियान उस जगह पर भी गए जहां से भगवान बुद्ध का ताल्लुक रहा, चाहे वो छोटा सा गांव हो या कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय। इस कड़ी में वो सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय गए। यहां जाने की एक मुख्य वजह यह भी थी कि फाहियान भारत में उत्तर भारत की तरफ से आए थे, यानी वो कश्मीर के रास्ते स्वात और पेशावर, जो आज पाकिस्तान में है, उस रास्ते से तक्षशिला पहुंचे। तक्षशिला से जलालाबाद, वहां से मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, बौद्ध गया और फिर बनारस पहुंचे।
कई इतिहासकारों का कहना है कि फाहियान भारत सिर्फ बुद्ध के लिए आए थे। इस बात को उनके द्वारा लिखे गए किताब खुद साबित करते हैं, चूंकि उसमें उस समय के गुप्त वंश या भारत की राजनीति आदि का कोई जिक्र नहीं है। वहीं जिस समय वो भारत आए वो समय भी ऐसा था जब भारत में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हो रहा था। भारत की ही इस यात्रा में वो बंगाल भी गए। वो लिखते हैं कि वो बंगाल के तमरा लिप्ता इलाके में भी गए जहाँ कुल 24 मठ थे। वहाँ से उन्होंने भगवान बुद्ध की कही बातों का भी कॉपी किया। वहीं बंगाल की इस जगह में वो पूरे 2 साल तक रहे। वहाँ से वो श्रीलंका गए जहाँ 2 साल रुकने के बाद फाहियान बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए जावा और फिर वापस चीन पहुँच गए। तो दोस्तों, ये थी फाहियान के चीन से भारत तक की सफ़र की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।